वेलकम टू आरपीआर एजुकेशन। दोस्तों पिछले में दो वीडियो में मैंने बताया था आपको जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र के बारे में कि कैसे ऑनलाइन अप्लाई करेंगे अपने मोबाइल से। तो आज हम लोग अप्लाई करेंगे आवासीय प्रमाण पत्र के लिए यानी निवास प्रमाण पत्र के लिए। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों इस पेज को आने के लिए आपको मैं ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा या फिर आप सर्च करके आ सकते हैं। तो चलिए हम लोग करेंगे क्या, अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक। यहाँ पे जैसे ऑनलाइन अप्लाई ऑन पे क्लिक करेंगे आपको नेक्स्ट पेज में लिया जाएगा। वहाँ पे आपको आई एग्री पे क्लिक करना है। जैसे आई एग्री पे क्लिक करेंगे फिर आपको ब्लॉक प्रखंड सेलेक्ट करना है। यहाँ से ब्लॉक प्रखंड सेलेक्ट करके आपको दोस्तों यहाँ पे इन्फॉर्मेशन भरना है। चलिए हम लोग इन्फॉर्मेशन को भर लेते हैं। दोस्तों मैं आप लोग को बता दूँ, पहले आपको आधार नंबर यहाँ पे देना है, उसके बाद यहाँ पे टिक करना है, उसके बाद इंग्लिश नेम, हिंदी नेम और यहाँ पे आप लोग जो सर्टिफिकेट बनाएंगे वो उसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका जो मोबाइल नंबर है जो आधार कार्ड में है वही वाला मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे देना है, ठीक है। और दोस्तों और एक इंपॉर्टेंट बात, जब भी आप मोबाइल पे करेंगे अप्लाई तो आपको करना है क्या, क्रोम ब्राउज़र में ये वेबसाइट काम करता है ज़्यादा, ठीक है, जाति निवास वाले। तो फिर आपको करना है क्या, ये थ्री डॉट लाइन देख रहे हैं यहाँ पे ऊपर में दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, इसको क्या करना, क्लिक करके आपको यहाँ पे देख पा रहे एक ऑप्शन है डेस्कटॉप साइट, इसको आपको क्लिक कर देना। मैंने क्लिक करके रखा, ठीक है, ये क्लिक करके उसके बाद आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। चलिए हम लोग फिलअप कर लेते हैं। दोस्तों हमने कर लिया पूरा फॉर्म को फिलअप, अब क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करके आ जाना है। उसके बाद आपके पास ओटीपी आएगी, फिर आप ओटीपी डाल के आगे की प्रोसेस करेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों हम लोग के पास ओटीपी आ गया है, यहाँ पे देख पा रहे हैं ओटीपी यहाँ पर डालूंगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अब हम लोग को क्या करना है, वेरीफाई कोड पे क्लिक करना है और आगे की प्रोसेस करना है। चलिए दोस्तों हम लोग आगे की प्रोसेस कर लेते हैं। जैसे ये पेज खुल के आएगी आपको सारा यहाँ पे इन्फॉर्मेशन करना है, भरना है, ठीक है दोस्तों। तो फिर चलिए भर लेते हैं। चलिए दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हैं आप लोग फादर्स नेम और इंग्लिश और हिंदी में देना है और लिंक यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है स्त्री पुरुष। उसके बाद नीचे यहाँ पे है मोबाइल नंबर आपको देना है। चलिए आगे की प्रोसेस देख लेते हैं। उसके बाद दोस्तों आपका प्रमंडल जो है वहाँ पे सिलेक्ट करना है यहाँ पे, ठीक है। फिर जिला जो है यहाँ पे सिलेक्ट करना है, अनुमंडल देना है यहाँ पे, प्रखंड देना है, गांव कौन सा है, पंचायत वार्ड की संख्या कितना है, पोस्ट ऑफिस कौन सा है आपका, थाना कौन सा है। उसके बाद नीचे यहाँ पे आवेदन का उद्देश्य क्या है, दोस्तों यहाँ पे आपको उद्देश्य देना है, जो उद्देश्य आप यहाँ पे बना रहे हैं, ठीक है। उसका सारा फिल करके आप लोग को नेक्स्ट करना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट कर लेते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट हो रहा है। दोस्तों देख सकते हैं ये हम लोग का फॉर्म कंफर्म हो गया। अब हमको क्या करना है, थोड़ा बहुत यहाँ पे पढ़ना है कि मैं सही सही लिखा हूँ कि ना, टाइप करके अब कुछ कहीं कहीं मिस्टेक हो जाता है, ठीक है। दोस्तों सारा देख लीजिए, उसके बाद यहाँ पे आप नीचे आएंगे और नीचे आके यहाँ पे टिक करके आपको सबमिट करना है, ठीक है। चलिए हम लोग सबमिट कर देते हैं, फिर हम लोग का ये एप्लीकेशन हो जाएगा। चलिए दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे हम लोग का फॉर्म कंफर्म हो गया। आप लोग को क्या करना है, फिर यहाँ पे प्रिंट यहाँ का ऑप्शन दिया हुआ है, प्रिंट कर ले, प्रिंट करके फिर इसको प्रिंट आउट कर ले, ठीक है। उसके बाद आप जितने दिन का यहाँ पे डेट दिया गया उस डेट पे जाके आप लोग ये प्राप्त कर सकते हैं आपके ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट से। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, और यदि बहुत ज़्यादा पसंद आया तो हमारे चैनल के साथ आप जुड़ सकते हैं सब्सक्राइब करके। तो फिर चलिए मिलते हैं इसी तरह और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।